तो जनजन की आवाज जीएन भारत आपको एक एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने जा रहा है। आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण जो कि देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने एक जीएसटी की मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया जो जीएसटी कंपनसेशन है वो नहीं दिया जाएगा किसी भी राज्य को, इसमें झारखंड भी शामिल होता है। आपको बता दें अब जीएसटी कंपनसेशन न मिलने पर हेमंत सोरेन को, सीएम हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अगर अतिरिक्त पैसे नहीं मिलेंगे तो जो योजना है, सरकारी योजनाएं और जन कल्याण योजनाएं, उनको हड़ताल पर उतारने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी योजना बिना पैसे का नहीं चल सकता, ना स्टेबल रह सकता है। इस पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक बहुत ही मास्टर प्लान तैयार किया है। जी हाँ, अपना दिमाग इस बार उन्होंने बहुत सलीके से चलाया है। आप बता दें डॉक्टर रामेश्वर उरांव का मास्टर प्लान कैसे है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ट्रेडिशनल सोर्स है। आपको बता दें झारखंड सरकार अब पुराने जो अभी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है उसको तलाश रही है, कोई नया खोजने से अच्छा है। रामेश्वर उरांव से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई नया सोर्स खोजने से अच्छा है, क्यों ना हम जो अभी रेगुलर सोर्स है उसी में और कड़ाई करके उससे पैसे लिए जाए। आपको बताते चले कि रामेश्वर उरांव ने कहा कि अभी बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, लेकिन जितने वाहन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उतने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस उस तरीके से पैसे लिए जाएंगे। इसके अलावा पेनल्टी जो है ड्राइविंग पे वो कम जा रहा है, बहुत सारे अवैध सिग्नल तोड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, हेलमेट की चेकिंग भी उतनी टाइट नहीं हो रही है, उससे हम पैसे लेने की, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो वन क्षेत्र है वहाँ से जब भारी भरकम लदा हुआ माल जब क्रॉस होता है तो उससे हम सेस लेने की काम करेंगे। आपको बता दें ये सेस लेने का काम उन्होंने एक साल पहले से शुरू कर दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 350 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किए हैं इस माध्यम से सरकार ने। तो रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पर कहा कि 350 करोड़ रुपए जैसे पिछले साल हमने जनरेट किया था रेवेन्यू एक छोटे से पहल से, इसी तरीके से छोटे 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 स्रोत को हम खोलेंगे, जिससे झारखंड में अगर जीएसटी कंपनसेशन जो कि 2000 करोड़ का नुकसान होगा झारखंड को, बता दें जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो इस 2000 करोड़ का तो शायद भरपाई ना हो, लेकिन जैसे 50 करोड़ हमने वन क्षेत्र से गुजरने वाली गाड़ियों से सेस में लगाकर 350 करोड़ लिया, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे से जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कड़ाई करेंगे, हेलमेट के लिए कड़ाई करेंगे, इसके अलावा जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण सर्टिफिकेट, एनवायरमेंट सर्टिफिकेट जो होते हैं गाड़ी के, ये छोटे छोटे चीज़ों को हम देखेंगे और इनसे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होगा इन सब से। तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका सीएम सोरेन को तो लग ही रहा है बाकी सारे मामलों में, पर फाइनेंशियली मामले में भी बहुत बेजोड़ लगा है, क्योंकि पूरा 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा ये जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव का जो वित्त मंत्री का जो ये मास्टर प्लान है कि छोटे छोटे सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करने का, ये कितना सफल हो पाता है और आगे क्या मास्टर प्लान करती है, क्योंकि जब तक मास्टर प्लान नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी योजना को हड़ताल पर इफिशियंटली उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मेरी सहयोगी बजाज राशिका के साथ मैं शिखा श्रेया रांची। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।